हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मम्मा एंड बेबी पर। तो दोस्तों, अगर आप मेरा वीडियो आज के दिन देख रहे हैं, यानी कि आप दीपावली से 4 दिन पहले देख रहे हैं, और आप सभी को पता है दीपावली आने वाली है, तो दोस्तों बहुत सारी महिलाएँ प्रेगनेंट होती हैं दीपावली के समय, और होता ये है कि घर की साफ़ सफाई करनी ही पड़ती है। तो दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगी अगर आप गर्भवती हैं तो आप किस प्रकार से अपने घर की साफ़ सफाई कर सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर आप मेरा वीडियो आज देख रहे हो, इसका मतलब आप दीपावली से 4 दिन पहले देख रहे हो। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक कॉपी लेना है, एक पेन लेना है, और सबसे पहले बैठ के सबसे पहले आपको देखना होगा कि हमें क्या क्या काम करना है, क्या क्या साफ़ सफाई करनी है अपने घर में, सबको लिख लीजिए पहले तो। और दोस्तों, उसके बाद आपको ये देखना होगा कि आप जो हो किस समय आपका माइंड अच्छा रहता है। जैसे कि मैं सुबह उठती थी प्रेगनेंसी में, तो मुझे सुबह उठ के ज़्यादा फ्रेश फील नहीं होता था, थकावट थकावट सी फील होती थी, इस वजह से कुछ करने का मन नहीं करता था। लेकिन बहुत सारी महिलाएं होती हैं जिन्हें सुबह उठ के मज़ा आता है, सुबह उठ के अच्छा फील होता है, दोपहर में सुस्ती आती है। तो सबका अपना अपना होता है। अगर आपको लगता है कि आप सुबह उठ के बिल्कुल फ्रेश फील कर रहे हैं, तो आप सुबह उठने के बाद फ्रेश हो जाइए एंड उसके बाद अपनी साफ़ सफाई स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है दोपहर में कम्फर्ट हो, तो आप दोपहर में आप अपनी साफ़ सफाई स्टार्ट कर सकते हैं। तो आपको करना कैसे है, तो देखिए, मैंने आपको बताया कि आप सब कुछ लिख लीजिए और ये दिमाग में लगाइए कि अगर मुझे किचन की सफाई करनी है तो किचन की सफाई हम कितनी देर में कर लेंगे। अगर आपको लगता है कि किचन की सफाई आपको करने में कम से कम 4 घंटे लगेंगे, तो आप 2 घंटे पहले कर लीजिए, 2 घंटे बाद में कर लीजिए, यानी कि आप रेस्ट कर करके आप सफाई कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास काफ़ी समय है, 4 दिन का समय है। तो आप आराम से जो थोड़ा थोड़ा करके अपनी सफाई कर सकते हैं। जैसे कि किचन के डिब्बे साफ़ करने हैं, तो आपने पहले डिब्बे साफ़ करके रख दिए, उसके बाद जो भी हमारे बर्तन होते हैं पुराने, उसको भी हम धोते हैं, तो उनको निकाल के धो लिया आपने। उसके बाद जितनी अलमारी वगैरह होती हैं किचन की, उनको साफ़ करना होता है तो उनको साफ़ कर लिया। वैसे भी दोस्तों, ऊपर साइड बने होते तो वहाँ तो आप चढ़ नहीं पाओगे, तो अपने हस्बैंड को पकड़ लीजिए कि भैया साफ़ करो इसे, अब पंखे वंखे उनसे साफ़ करवा लीजिए। जो भी हम ऊपर चढ़ के काम करते हैं वो आपके हस्बैंड कर देंगे, आपके घर में कोई और हो तो उनसे करवा सकते हैं आप, तो आप उनसे करवाइए। बाकी जो नीचे का काम होता है वो आप खुद कर सकते हैं। तो आप प्लानिंग बना लीजिए कि मैं इतने देर में इतना काम हो जाएगा, और मैं किस समय फ्री होती हूँ, किस समय मेरा माइंड अच्छा रहता है, तो आप वो काम कर सकते हैं। आपको दूसरा ये करना है कि जैसे कि बहुत सारे काम ऐसे होते हैं धूल मिट्टी वाले, ठीक है, तो वो आप दीपावली के दिन वाले छोड़ दीजिए, वो दीपावली वाले दिन ही करना। बाकी जो साफ़ सफाई होती है आप पहले कर सकते हैं। दोस्तों, जैसे अलमारी होती है जहाँ की हम अपने कपड़े रखते हैं, किताब वाले अलमारी होती है जहाँ किताबें रखी जाती हैं, और टीवी यूनिट वगैरह होता है जहाँ की हम अपने कुछ सजावट के सामान रखते हैं घर के, तो उन चीज़ों में ज़्यादा धूल मिट्टी होती नहीं है। तो आप उसको अपना टाइम निकाल के आराम से, क्योंकि आपके पास 4 दिन का टाइम है, 5 दिन का टाइम है, तो आप उनको कभी तो एक दिन टाइम निकाल के टीवी यूनिट का सारा काम कर लिया, और जो जहाँ पे आपके बुक्स वगैरह होते हैं वहाँ साफ़ कर लिया। अब उसके बाद आप आराम कर लीजिए एंड उसके बाद जो है आप अपनी कपड़े वाली अलमारी को साफ़ कर लीजिए। एकदम से ज़्यादा काम करेंगे तो आप बहुत परेशान हो जाओगी, क्योंकि मैं भी प्रेगनेंट रही हूँ और इसलिए मुझे एक्सपीरियंस है, मुझे पता है। क्योंकि दोस्तों, हम पहले से साफ़ सफाई करते हैं, लेकिन जो मेन दीपावली वाला दिन आता है उस दिन हमें साफ़ सफाई करनी पड़ती है। जितने सामान होते हैं हम सबको हटा के झाड़ू पोछा करते हैं, और जहाँ धूल मिट्टी होती है सबको साफ़ करते हैं, तो उसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा थकावट हो जाती है। मुझे भी हो गई थी और मैं सीरियसली बहुत परेशान हो गई थी उस दिन, लेकिन इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। तो आप जो है पहले से अपना प्लानिंग बना लीजिए, मैं क्या क्या साफ़ करना है, कैसे कैसे साफ़ करना है, कितने देर में साफ़ हो जाएगा, किस समय आप फ्री रहते हो उस समय आप आराम से टाइम निकाल के थोड़ा थोड़ा करके आप साफ़ कर लीजिए। 2 घंटे का टाइम है तो 2 घंटे में कितनी सफाई कर लीजिएगा उतना देख लीजिए, उतना ही कीजिए पहले। और जैसे कि आपको पता है, वैसे आप भारी सामान उठा नहीं सकते, खिसका नहीं सकते, सोफ़ा वगैरह भारी होते हैं, बेड वगैरह होता है, तो उस चीज़ को आप छोड़ दीजिए। अपने हस्बैंड आपके जिस दिन, आपको पता है दीपावली की छुट्टी पड़ेगी, तो आप उनकी मदद ले सकते हैं साफ़ सफाई में, तो बेड वगैरह वो हटा देंगे, आप आराम से उसको हटा के साफ़ करवा लीजिएगा। ज़रूरी नहीं है कि आप, क्योंकि दोस्तों अगर आप पहले ही बेड वेड के नीचे साफ़ कर लोगे, तो आपको पता है कि दोबारा से जो है फिर गंदगी होगी और दीपावली वाले दिन साफ़ होगी ही, तो कोई मतलब नहीं बनता कि आप खामखा में जो है पहले से ही लग जाएंगे और कई बार साफ़ करो। तो जो धूल मिट्टी का काम है उसको आप लास्ट वाले दिन के लिए रख दीजिए, और उस दिन आप अपने हस्बैंड को भी बोलिए साफ़ करने को, तो आपकी मदद कराएंगे, तो आप उनसे मदद ले सकते हैं, बाकी आप भी कीजिए। दोस्तों, आप एक चीज़ और लिखो कि आप घर में कौन कौन से फालतू चीज़ें हैं, जैसे कि फालतू बर्तन, फालतू किताबें, फालतू जो कपड़े होते हैं, फालतू सामाने होते हैं घर में बहुत सारे, खिलौने वगैरह होते हैं बच्चों के, तो उन सबको कोई मतलब नहीं बनता फालतू में रखने का, अगर आपका यूज़ का नहीं है तो उन सबको आप गरीब लोगों को दे दीजिए। आपके जैसे कि आप
ऐसे जगह पर रहते हो जहाँ की कचरा लेने वाली आती है या फिर साफ़ सफाई वाली आती है, तो आप उनको दे सकते हैं, उनके काम आ जाएगा। या फिर आप कहीं जाके डोनेट कर दीजिए, तो आप जो भी फालतू चीज़ें सब निकाल दीजिए, क्योंकि आपको पता है कि जहाँ साफ सफाई होती है, जहाँ स्वच्छता होता है, लक्ष्मी का वास वहीं होता है। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पुराने घर में घड़ी पड़ी होती है जो चलती नहीं है, उसको रखे रहते हैं। सबसे बेकार चीज़ होता है, क्योंकि मैंने बहुत सुना है कि बंद घड़ी कभी घर में नहीं रखना चाहिए, बहुत ही अशुभ होता है। तो आप इन चीज़ों को बिल्कुल बाहर निकाल दें। मेरी जब शादी हुई थी तो ये वाली साड़ी जो है मेरी मम्मी ने दिया था, ये मेरी मौसी ने दिया था, ये मेरी बुआ ने दिया था। या जब वो साड़ी को आप पहन ही नहीं रहे हो, कोई काम का ही नहीं है, बेकार हो चुका है, तो उसको किसी को दे दीजिए। आप आपके काम का है तो रखो, बिल्कुल काम का जो चीज़ बिल्कुल नहीं है, पुराने बर्तन हैं, चार चार कढ़ाई रखी है, चार चार भगोने रखे हुए हैं, एक कढ़ाई ख़राब हो गई दूसरा ले आए और उसको रखा हुआ है आपने कि हमें कभी काम आएगा, यार कुछ काम नहीं आता, काम आएगा तो दूसरा ले आना, उस कढ़ाई को बाहर निकाल दो आप। उसके बाद आप एक काम और कर सकते हैं, आप एक चीज़ और लिख सकते हैं कि आपको क्या क्या सामान लेके आना है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमें जैसे कि नया बेडशीट लाना हो और नए पिलो कवर्स लाने हो, या फिर घर में कुछ नया सामान लेके आना हो, या फिर कुछ सजावट का सामान लेके आना हो दीपावली के लिए, तो कुछ चीज़ें हम भूल जाते हैं। तो उसको आप पहले से कॉपी पेन लेके मस्त आराम से लिख लीजिए बैठ के कि हमें क्या क्या लेके आना है और क्या क्या हमें नया काम करना है। तो वो आप आराम से पहले लिख लेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी, जब आप शॉपिंग करने जाएंगे तो आराम से लिस्ट निकालिए और देख लीजिए हमें क्या क्या सामान लेना है, तो आप आराम से कर सकते हो। दोस्तों देखिए, बहुत सारे लोग यह तरीका अपनाते होंगे, बहुत सारे लोग नहीं अपनाते होंगे, तो उन लोगों के लिए जो नहीं अपनाते, जो अपनाते हैं अच्छी बात है, तो प्लीज़ कमेंट करके ये मत कहना हम तो ऑलरेडी ऐसा करते हैं तो आपने नया क्या बताया। मैं नया कुछ नहीं बताया है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसा नहीं करते हैं, तो वो उन लोगों के लिए है कि दोस्तों मैंने आपको बताया था आपको करना क्या है। सबसे पहले लिस्ट बनाना है, क्या क्या काम करना है घर में, कहाँ कहाँ सफाई करनी है। इससे ये भी होगा कि आप जो है, जैसे कि मैं बताऊँ, हम किचन की सफाई करते हैं, किचन की सफाई करते 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 हम फ्रिज की सफाई करना भूल जाते हैं, और दीपावली वाले दिन याद आता है शाम के समय जब मेहमान आते हैं, फ्रिज खोलते हैं, अरे यार फ्रिज तो साफ़ किया ही नहीं हमने। तो कई बार ऐसा हो जाता है कि हम भूल जाते हैं कुछ सफाई करने। अगर दोस्तों हम जल्दबाजी में और जल्दी जल्दी सफाइयाँ करते हैं और लास्ट के समय करते हैं, मेन दीपावली वाले दिन करते हैं, तो उससे होता क्या है कि हम कुछ ना कुछ भूल ही जाते हैं। तो बेहतर यही है कि आप पहले से प्लानिंग बना लें कि आपको क्या क्या साफ़ करना है, और थोड़ा थोड़ा उस काम में लग जाइए और उसको सफाई कीजिए, ताकि दीपावली तक आते आते आपका सारा काम जो फिनिश हो जाए, आपको लगे कि हाँ मैंने सही काम कर लिया। और आप थोड़ा थोड़ा करेंगे, क्योंकि आप प्रेग्नेंट हो, आप थोड़ा थोड़ा करेंगे तो आपका आराम से दीपावली तक काम हो जाएगा। दोस्तों काफ़ी सारे त्यौहार आ रहे हैं, तो आप सभी को हैप्पी धनतेरस, हैप्पी छोटी दीपावली, हैप्पी दीपावली, हैप्पी गोवर्धन और हैप्पी भैया दूज। उसके बाद छठ पूजा भी आता है, और आपके यहाँ छठ पूजा होता है तो हैप्पी छठ पूजा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, आया होगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। तो खुशी खुशी अपने त्यौहार को सेलिब्रेट कीजिए, मेरी तो ये दुआ है कि आप सब खुश रहें और जो आप चाहें आप लोगों को मिले। बाकी चलिए मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, नमस्ते।